नमस्कार दोस्तों, कुक सुपर उर्मी चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको अगर चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन करता है, वो भी झटपट, तो आज की रेसिपी आपके लिए, क्योंकि ये रेसिपी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगेगी और बहुत ही आसानी से 5 मिनट में बनके तैयार होने वाली है। तो चलो दोस्तों, जल्दी से करेंगे रेसिपी की शुरुआत। क्रिस्पी चटपटा नाश्ता बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पत्ता गोभी लिया है, आधा किलो आलू लिया है, आलू को मैंने उबाल के लिया हुआ है, अच्छे से पका लिया है आलू को, और धनिया पत्ती लिया है, धो के वॉश करके बारीक चॉप करके रखा हुआ है, और यहाँ पर उबले हुए आलू को ठंडा करके ऊपर का छिलका हटा लेना है। दोस्तों, पत्ता गोभी को हमें पूरा नहीं लेना है, हम यहाँ पर आधा पत्ता गोभी लेंगे। आप अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो आलू की मात्रा और पत्ता गोभी की मात्रा बढ़ा सकते हो। पत्ता गोभी हमेशा वजन वाला ले, वजन वाला पत्ता गोभी एकदम फ्रेश होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर चाकू की सहायता से हम कट कर लेंगे पत्ता गोभी को, और इसका हमें आधा हिस्सा ही लेना है। दोस्तों, पत्ता गोभी को मैंने बीच में से कट लगा दिया है, अब हमें कद्दूकस कर लेना है। दोस्तों, सारा पत्ता गोभी कद्दूकस होके तैयार हो चुका है, अब हमें इसका एक्स्ट्रा पानी हटा लेना है। हाथ में इस तरीके से लेना है और अच्छे से दबा दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी हटा लेना है। ताज़ा पत्ता गोभी होता है ना दोस्तों, उसके अंदर पानी भी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो हमें एक्स्ट्रा पानी हटा लेना है। दोनों हाथों की सहायता से दबा के एक्स्ट्रा पानी हटा लेना है। तो दोस्तों, पत्ता गोभी का पानी मैंने हटा लिया है, अब हमें पत्ता गोभी के अंदर ही आलू को भी कद्दूकस करके ऐड कर लेना है। आलू भी कद्दूकस हो चुके हैं, अब हमें आलू और पत्ता गोभी दोनों को हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स किए हुए आलू और पत्ता गोभी के अंदर ऐड करना है एक बड़ा चम्मच अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। तीन से चार चम्मच ऐड करना है हमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। दोस्तों, हरा धनिया पत्ती ऐड करने से इस नाश्ते में टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। अब हम ऐड करने वाले हैं 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर, चुटकी भर के ऐड करेंगे हींग। स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक, आधा चम्मच ऐड करेंगे काला मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर को आप दरदरा पीस के भी ऐड कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथ की सहायता से मिक्स करेंगे। दोस्तों, हल्दी डालना भूल गए थे, अब ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी हमने कलर के लिए ऐड किया है, कलर बहुत अच्छा आएगा हल्दी डालने से। सारी सामग्री को हमें पहले तो हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। देखिए, इस तरीके से तैयार कर लेना है और हाथ में थोड़ा सा इस तरीके से लेना है। देखिए, दोनों हाथ की सहायता से फैलाएंगे और इसका फिंगर बनाएंगे। ज़्यादा मोटे भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा पतले भी नहीं करेंगे, हमारे फिंगर होते हैं हाथ के, इसी तरीके से हमें तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा बड़े भी नहीं करेंगे, ज़्यादा छोटे भी नहीं रखेंगे, तो सारे फिंगर हमें इसी तरीके से तैयार करना है। दोस्तों, ये फिंगर फ्राई होने के बाद अंदर सॉफ्ट रहते हैं और ऊपर से क्रिस्पी लगते हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही आसानी से बनता है। कोई अगर आपके घर में मेहमान आ जाता है तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। दोस्तों, जो भी दोस्तों इस रेसिपी को खाएंगे वो आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे, इतना टेस्टी बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सारे फिंगर हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। थोड़े से फिंगर मेरे तैयार हो चुके हैं, तो हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। थोड़ा सा टुकड़ा मैंने ऐड किया है, देखिए अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हमें फिंगर ऐड कर लेने हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है ज़्यादा ऑयल गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। देखिए ऑयल गर्म, अगर आप ज़्यादा ऑयल को गर्म करके बाद में फिंगर ऐड करोगे तो फिंगर ऐड करते ही जलने लगेंगे दोस्तों, और जले हुए फिंगर खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं।
इसीलिए ऑयल को गर्म करके गैस की फ्लेम को स्लो करके ही फिंगर को ऐड करना है। दोस्तों ऑयल के अंदर फिंगर को ऐड करने के बाद तुरंत ही हमें चम्मच की सहायता से नहीं पलटाना है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए बाद में दूसरी साइड पकाना है। तो देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं फिंगर, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फिंगर तैयार है। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट के अंदर। दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हुए, देखिए इसी तरीके से हमें सारे फिंगर को फ्राई कर लेना है। चटपटे क्रिस्पी फिंगर बनके तैयार हो चुके हैं, इसको हम सर्व करेंगे एक प्लेट के अंदर। इसको मैंने सेजन चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसको टमेटो केचप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। दोस्तों ये फिंगर ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है खाने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड